हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो किसी भी आप दुकान में जाते हैं शॉप में, तो इस तरह का प्राइस टैग आपको दिखाई देता है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये प्राइस टैग कैसे सेट किया जाता है, इसकी एमआरपी कैसे सेट की जाती है और कैसा प्रिंट हो जाता है। सिंपली एक मशीन होता है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। कौन सा मशीन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लू कलर का जो मशीन दिख रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, आपको सैंपल दिखाई दे रहा हूँ। कुछ इस तरह का ये मशीन होता है। ये लगभग मार्केट में 300 या 350 रुपए तक, यानी कि ज्यादातर ज्यादा 400 रुपए तक मिल जाता है। काफी अच्छी क्वालिटी का ये मशीन रहता है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहता। कम खर्चे में ज्यादा कर सकते हैं आप। प्रिंटर वगैरह कोई अलग अलग चीज लेने की जरूरत नहीं। आपको इसे यूज कैसे करना है ये आपको पूरी चीज इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह है, काफी अच्छा बढ़िया दिखता है। यहाँ से इस मशीन को खोलना होता है। यहाँ से आप खोल देते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रिंटिंग रोल होता है तो कुछ इस तरह का होता है, जो मार्केट में 10 रुपए से लेकर 12 रुपए तक इसको मिल जाता है। इसमें से कम आप 200 अलग अलग प्रिंट, यानी कि अलग अलग जो प्राइस है सेट कर सकते हो, किसी और को लगा देते हैं। इसमें आपको डालना कैसे, ऐसे लगा देना है, इसमें कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, पहले इसे जो है अंदर डाल देना है और इस तरह से नीचे एक बटन होगा, इसे भी आपको खींचकर खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे भी खोल देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रोल सेट करना है। रोल कैसे सेट किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। यानी कि आपको पहली बार अगर कोई यूज कर रहा है तो मुझे भी तकलीफ हुई थी, मैं भी यूट्यूब से देखकर सीखा था, तो मैंने सोच लिया कि आप सभी को बता दूं। आपको सिंपली इसमें डाल देना है, नीचे से निकाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जा नहीं रहा फिर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, सिंपली आप इसे लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से आ चुका है। इसे आपको खींचना है थोड़ा सा। खींचने के बाद यहाँ पे जो है ये जो पट्टी है ये, इसे आपको ये ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद इसे सिंपली ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ देने के बाद ऐसे इसे लैप कीजिए और छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप मैं दिखा देता हूँ, ये जो बटन है इस पे आप प्राइस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरा प्राइस 980 है, तो यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए 100 प्राइस सेट करना चाहता हूँ तो ये सिंपली इसे हिला के मैं इसको 100 पर पीस, आरएस 100 पर पीस अभी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नीचे कर रहा हूँ, तो इसमें जो है काफी क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको 100 प्रेस करके दिखाई देता हूँ, ठीक है दोस्तों, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सिंपली इसे अगर इस बटन को आप प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ से एक प्राइस निकलता है। ये प्राइस हम निकाल दिया 100 रुपए पर आरएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएस 100 रुपीज पर पीस। अभी आप इसे लगा देता हूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो ये सिंपली स्टिकर हो जाएगा और आप इसे 100 रुपीज में बेच सकते हैं। कभी भी इसे निकाल सकते हैं और कोई भी अलग प्राइस लगा के आप बेच सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। काफी अच्छी मशीन है, आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो का। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।